इंडिया में आपको एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, वो भी बजट में, लेकिन इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमको खरीदना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको टॉप 5 ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, जिनको आप 1500 की रेंज में खरीद सकते हैं 2019 में। तो ये वीडियो जो है बहुत खास होने वाली है, और आप लोगों को मैं दो ब्लूटूथ स्पीकर के बीच में कंपैरिजन भी करने वाला हूँ, और ये भी बताऊँगा कि ये दो ब्लूटूथ स्पीकर कौन सी पोजीशन पे हमारी लिस्ट में है। तो ये जो वीडियो है आपको पूरा देखना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात कर लेते हैं पांचवें नंबर के ब्लूटूथ स्पीकर की, तो उसका नाम है JBL Go। इस ब्लूटूथ स्पीकर का प्राइस जो है वो 1699 रुपीस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सेल में जो है 1500 तक में आराम से मिल जाता है। अगर आप इसको अपने कार्ड में ऐड करेंगे तब भी इसका प्राइस जो है वो 1500 रुपए अपने आप हो जाएगा। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो नया ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, इसको करीब करीब 1.5 से 2 साल हो गए हैं, और इसका जो साउंड है वो भी इतना कोई खास नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी के ब्लूटूथ स्पीकर जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर आप लोग अब बोलेंगे कि यार इस ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड अच्छा नहीं है, नया नहीं है, तो इसको अपनी लिस्ट में क्यों रखा है? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है सॉफ्ट सॉन्ग जो होते हैं, मेलोडी सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग जो होते हैं वो सुनना पसंद होता है, तो वैसे लोगों के लिए ये स्पीकर जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको जो है बिल्कुल हैवी सा बेस वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो वोकल्स है, इसकी जो साउंड क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो इस ऐसे लोगों के लिए ये ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको ब्लूटूथ 4.1 टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो कि अभी के ब्लूटूथ स्पीकर में भी मिल रही है। उसके साथ साथ इसमें आपको 5 घंटे तक का प्लेबैक साउंड मिल जाएगा, और इसमें आपको गूगल असिस्टेंट और सिरी का सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको बटन जो है प्रेस करना है तो आप वॉइस असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो साइज़ है बहुत कॉम्पैक्ट है, लाइक छोटा सा ही है। इसके जो कलर्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक ये आपको रेड, ब्लैक और भी बाकी के जो कलर है वो अगर अवेलेबल है तो उसमें भी आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को खरीदना चाहते हैं या कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर जो मैं आपको बताऊंगा उसको खरीदना चाहते हैं, तो उन सब के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो आप वहां से जाके इन स्पीकर्स को खरीद सकते हैं। अगर आप वहां से खरीदेंगे तो हमारे चैनल को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से। अब अगर मैं बात करूँ फोर्थ नंबर के ब्लूटूथ स्पीकर की, तो उससे पहले मुझे आप लोगों को एक अपडेट देना है रिलेटेड टू माई चैनल। तो हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है हमारे चैनल के, उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम के अंदर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट और स्टोरीज के थ्रू लेटेस्ट टेक न्यूज़ जो है वो मैं डालता रहता हूँ। और आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो है DM कर सकते हैं, मैं 110% आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप हमें यूट्यूब की वीडियोज़ पर भी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फोर्थ नंबर का जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसका नाम है मीवी रोम। इसका जो प्राइस है वो आपको 1299 मिल जाएगा। काफ़ी फेमस स्पीकर है, अभी कुछ महीने पहले ही आया है, लेकिन यूट्यूबर्स के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसका जो प्रमोशन है यूट्यूबर्स भर भर के कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ कि क्यों मैंने इसको पाँचवें नंबर पर रखा है, तो उसका रीज़न ये है कि ये जो स्पीकर है वो आपको 5 वॉट के साथ मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो आपको सराउंड साउंड क्वालिटी मिल जाएगी, लाइक आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस टाइप की जो है साउंड क्वालिटी आपको इसमें सुनने को मिल जाएगी, जिस कारण ये बिल्कुल एक सराउंड सिस्टम बना देता है। और इसकी अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इसमें आपको 5 से 6 घंटे तक का जो है बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और ये वाटर रेजिस्टेंट के साथ भी आता है, तो इस वजह से मैंने इसको जो है फोर्थ नंबर पर रखा है। तो अगर आप बिल्कुल पावरफुल एक स्पीकर चाहते हैं वो भी बजट में, तो इस स्पीकर को जो है आप परचेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर के ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, तो उसका नाम है लॉजिटेक X50। ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है मैं पिछले 1.5 साल से पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, और इस स्पीकर के बारे में मैं क्या बोलूँ यार, ये स्पीकर देख लीजिए आप, साइज़ में इतना छोटा है, लेकिन जब मैं इसका साउंड आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोग भी बोलेंगे कि यार क्या साउंड है इसका। अगर मैं प्राइस बोलूँ तो ये प्राइस आपको 1495 रुपये, लाइक 1495 रुपीज़ में आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। सेल में भी इसका प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। एक सजेशन इस स्पीकर को ख़रीदने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस स्पीकर को आप ऑनलाइन ही खरीदें, ऑफलाइन मत खरीदें, क्योंकि इसका जो प्राइस ऑफलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 2000 तक का इसका प्राइस चला जाता है। इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये जो है 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप आराम से दे देता है। उसके साथ साथ इसमें आपको 3.5 mm का जैक सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आप स्पीकर वगैरह या फिर ईयरफोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं।
तीन बटन मिलेंगे, तो एक होगा वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का, और बीच वाला बटन से आप जो है इसको पावर ऑफ पावर ऑन कर सकते हैं। तो ये जो है ब्लूटूथ स्पीकर, छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है और बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ आता है। उसकी साउंड क्वालिटी भी जो है वो मैं वीडियो के एंड में आपको सुनाने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर के ब्लूटूथ स्पीकर की, तो वो है बोट स्टोन 260। ये ब्लूटूथ स्पीकर भाई काफ़ी कमाल का ब्लूटूथ स्पीकर है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 1400 रुपये है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन जब आप सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे कि यार ये ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो है IPX5 को सपोर्ट करता है, जिसके कारण इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और लुक एंड फील में भी ये ब्लूटूथ स्पीकर सारे ब्लूटूथ स्पीकर से अच्छा दिखने में लगता है। और इसमें जो है आपको एक रबर टाइप की जो है वो पैडिंग मिलेगी, जिसके कारण इसके जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, वाटर रेजिस्टेंस और जो शॉक रेजिस्टेंस ये सब की जो है आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। और सबसे जो दमदार स्पेसिफिकेशन है वो है इसकी बैटरी लाइफ, इसमें आपको 1000 mAh की बैटरी लाइफ मिलेगी, जिसके कारण इसका जो प्लेबैक टाइम है वो 6 घंटे तक का पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ जो है ये ब्लूटूथ स्पीकर कुछ कंट्रोलर्स के साथ आता है, जिसमें आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, ब्लूटूथ 4.1 को सपोर्ट करता है, और माइक वगैरह भी जो है आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर में देखने को मिल जाएगा। तो भाई इसकी बैटरी बैकअप, उसके साथ साथ इसका लुक एंड फील और इसका साउंड क्वालिटी, और जो लोग जिनको बेस वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो इसको जो है परचेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर के ब्लूटूथ स्पीकर की, तो भाई इस स्पीकर का नाम है बोट स्टोन 200। अब बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करने वाले हैं कि भाई ये तो बहुत सस्ता है, लाइक बोट स्टोन 260 से भी सस्ता है, तो इसको फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है? तो उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है भाई, हमारी इस लिस्ट में कोई भी ऐसा नहीं है कि महंगा या फिर सस्ता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से मैंने जो है इस लिस्ट को बनाया है। तो ये स्पीकर का जो प्राइस है वो आपको 1199 रुपीज़ मिल जाएगा अमेजोन पे अभी, और सेल में इसका प्राइस और भी कम हो जाता है, लाइक 1000 रुपये में आपको मिल जाता है। लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है और इसका जो बाकी की स्पेसिफिकेशन है काफ़ी अच्छी है बाकी सारे ब्लूटूथ स्पीकर हैं। तो मैं फटाफट से आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो भाई ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाटर प्रूफ के साथ आता है, इसको आप जो है पानी के अंदर डाल के भी बजा सकते हो। मेरे हिसाब से कोई पानी के अंदर तो डालेगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाटर प्रूफ के साथ आता है। इसकी बैटरी भी बहुत दमदार है, करीब करीब 8 से 9 घंटे तक की प्लेबैक बैटरी के साथ ये आता है। उसके साथ साथ इसका जो साउंड क्वालिटी है भाई, बेस और वोकल्स दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, माइक को भी सपोर्ट करता है, और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मैं आप लोगों को अभी टेस्ट करके बताऊंगा, और उसकी जो कंपैरिजन है वो सीधे सीधे लॉजिटेक से करके बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो मेरे फेवरेट ब्लूटूथ स्पीकर हैं। तो मैं कंपेयर करूंगा इसका साउंड क्वालिटी, अभी आपको टेस्ट करवाऊंगा, और आप लोगों को जो है एक मेरे लिए काम करना है वो ये कि आपको कमेंट सेक्शन में जाके ये साउंड क्वालिटी सुनने के बाद कमेंट लिखना है कि भाई कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी आपको पर्सनली अच्छी लगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इसकी साउंड क्वालिटी का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोनों स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी में मुझे थोड़ा बहुत जो है फ़र्क देखने को मिला, लाइक बोट के इस ब्लूटूथ स्पीकर में मुझे बेस और साउंड क्वालिटी जो है पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उसके साथ साथ लॉजिटेक के इस ब्लूटूथ स्पीकर में मुझे वोकल्स वगैरह जो हैं और साउंड क्लैरिटी जो है ज़्यादा अच्छी लगी। तो लाइक दोनों ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं आप लोगों से पर्सनली जानना चाहता हूँ कि कौन सा साउंड जो है आपको अच्छा लगा, कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड आपको अच्छा लगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर लिखना है, डायरेक्ट स्पीकर का नाम लिख देना है कि भाई ये मुझे स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि मुझे भी पता पड़े कि भाई कितने लोग कौन से ब्लूटूथ स्पीकर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो कहीं भी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी वीडियो जो है और भी आप लोगों तक मैं लेकर आता रहूं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।